हेलो दोस्तों, आज हम लोग दिखाएंगे कि एक्सेल फाइल को कैसे डॉक्यूमेंट्स फाइल में आपका कॉन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो देखिए ये एक्सेल फाइल है, ठीक है, एक एक्सेल फाइल को निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये माई सीवी, देखिए एक्सेल फाइल है, एक्सेल का फॉर्म है, ठीक है, सिंबल है, तो क्लिक करते हैं इसमें। देखिए ये एक्सेल फाइल निकल गया, ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी, देखिए कॉपी करते हैं, कॉपी। ठीक है, आप वर्ड का फाइल खोलते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, खुल गया। अब इसको पेस्ट करते हैं, देखिए अभी एक्सेल फाइल में ही है, देखिए आधा कट गया, आधा ये हो गया, तो ये एक्सेल फाइल में है। आप इसको करना पड़ेगा सिलेक्ट, ये वाला सिंबल आ रहा है, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये जो लेआउट है, लेआउट में क्लिक कीजिए, लेआउट में क्लिक करके कॉन्वर्ट टू टेक्स है, कॉन्वर्ट टू टेक्स में क्लिक कीजिए। ठीक है, देखिए ये फॉर पैराग्राफ मार्क्स टैब कुछ भी कर सकते हैं आप, ओके कर दीजिए। देखिए पहले देखिए कैसे आया था, आधा कट गया था, आधा था, अभी देखिए पूरा आ गया, ये आपका डॉक्यूमेंट्स फाइल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप इसको अपना हिसाब से, ठीक है, अपना हिसाब से सजा लीजिए। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर में और लैपटॉप में आपका एक्सेल फाइल को डॉक्यूमेंट्स फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू।